फायरबेस प्रोजेक्ट के लिए कैसे वेब एपीआई की जनरेट करेंगे। सिंपल सा आप यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे आप पहले प्रोजेक्ट बना रहे थे बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। प्रोजेक्ट जैसे क्रिएट होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, आपको वेट कर लेना होगा। प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट होने के बाद कंटिन्यू कर लेना होगा। नेक्स्ट आपका रियल टाइम डाटाबेस अगर आप करने के लिए चाहते हो तो आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे तो आपको फायरबेस यूआरएल मिल जाता है। वेब एपीआई की के लिए आपको फायरबेस प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आना होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा वेब एपीआई की के सामने नो वेब एपीआई की फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए आपको और एक काम करना पड़ेगा, आपको ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट कर देना होगा। गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को पहले बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन बन जाएगा, नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाइए प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वेब एपीआई की जिसको हम फायरबेस टोकन भी बोलते हैं, तो आपका ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। फायरबेस टोकन के लिए सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट